जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन है, टू पीपल ए एंड बी स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 400 मीटर इन ऑपोजिट डिस्टेंस नहीं होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, विद इनिशियल स्पीड्स ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। व्हेनेवर दे मीट, एस स्पीड डबल्स एंड बी स्पीड हाफ्स। मतलब जितने बार वो मिलेंगे, ए अपना स्पीड डबल कर लेगा और बी का स्पीड जो होगा वो हाफ हो जाएगा। आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। मतलब स्टार्टिंग से तीसरी बार वो कितने देर बाद मिलेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कैसे होगा। ए और बी लिख लेते हैं। ए का स्पीड पहले कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, और बी का 40 मीटर पर सेकंड। आप पहली बार जब मिलेंगे तो ए का स्पीड डबल हो जाएगा, यानी कि इसका टू हो जाएगा, टू टाइम्स यानी 20 मीटर पर सेकंड, और इसका हाफ हो जाएगा इंटू 1/2, तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब जब दूसरी बार से मिलेंगे, दूसरी बार बाद ये अपना स्पीड डबल कर लेगा यानी 40 हो जाएगा, और ये अपना स्पीड हाफ कर लेगा यानी 10 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड हम देख लेंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। तो पहली बार 50 होगा, दूसरी बार कितना होगा 40, और तीसरी बार फिर से 50। तो अब देख लेते हैं टाइम, पहली बार जब मिलेंगे तब कितना मिलेगा और टाइम लगेगा। 400 मीटर है मेरा ट्रैक का डिस्टेंस, 50 सेकंड से डिवाइड कर लेंगे, तो पहली बार जब मिलेंगे तब मेरे पास टाइम लगेगा बाय 50, तो 8 सेकंड। सेकंड बार जब मिलेंगे तो 400 को अगर 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना लगेगा, 10 सेकंड। और तीसरी बार जब मिलेंगे तो फिर से 40 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 400 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 सेकंड। तो टोटल कितना हो जाएगा, 26 सेकंड, एंड दैट इज़ आवर आंसर। थैंक यू।